डेली इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, मुझे 4-5 फूल तो ऐसे ही मिल जाते हैं कनेर में, और मैंने इसमें कटिंग भी कर दी थी, लेकिन अब मुझे चाहिए इसको रिपॉट करना, क्योंकि इसकी जो प्लांटर है इसमें मिट्टियाँ भी बहुत घट गई हैं, अब मैं मिट्टी भी दूंगी तो इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें रूट बाउंड भी हो गया है और ये प्लास्टिक वाला पॉट बहुत ही छोटा है, इससे मुझे शिफ्ट करना है। और कुछ डिफिनवेकिया के भी प्लांट इसमें निकले हुए हैं, तो मैं उस इसमें से कनेर को आज निकालूंगी और इस बड़े से प्लांटर में मैं इसे शिफ्ट करने वाली हूँ। ये 12 इंच का बड़ा वाला प्लांटर है मेरा, मिट्टी का प्लांटर है, इसे मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। ये तो बहुत ही छोटा था, ये 8 इंची का था, तो मैं यहाँ से इसमें शिफ्ट करूँगी। इसके लिए मैंने मिट्टी थोड़ी बहुत प्लांटर में गार्डन सॉइल लगा रखा हुआ है, और ये मेरा मिट्टी तैयार किया हुआ है जिसमें गार्डन सॉइल भी है और कंपोस्ट के साथ गोबर की खाद भी है मिला हुआ इस पन्नी में। अभी बारिश का सीजन है तो इसमें पानी, बारिश का पानी इसमें चला गया है, तो अब ये गीला हो गया है, तो यहाँ से मैं इसमें शिफ्ट करूँगी और मिट्टी को पूरा तैयार करूँगी, यहाँ से भी इससे निकालूँगी और इस प्लांट को मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, जो भी काम होते हैं बारिश के सीजन में, इस समय कर लेना चाहिए, तो आपके प्लांट भी अच्छे रहते हैं और इसकी ग्रोथ भी बनी रहेगी, क्योंकि अभी फिर विंटर का सीज़न आ जाएगा, इसमें हर समय फूल खिलता है, विंटर में थोड़ा कम हो जाएगा। अगर अभी से इसमें ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसी में छोड़ देंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर आते आते लेकिन इसमें फूल की मात्रा भी घट जाएगी, इसमें और भी रूट निकल आएंगे, ये इसमें रहेगा भी नहीं, रह भी नहीं पाएगा, क्योंकि प्लांटर भी छोटा है। तो मैं आज यहाँ से शिफ्ट करती हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और आगे वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, बने रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और मैं देखिए मैं किस तरह से गार्डनिंग करती रहती हूँ, इस तरह से छोटी मोटी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। और जो भी प्लांट मेरे पास है, गार्डनिंग मेरा शौक है, और मैंने छोटे छोटे प्लांटर में भी अपना कटिंग में ग्रो किया हुआ है, सभी सारे बहुत अच्छे से चल गए। उधर मैंने हिबिस्कस वगैरह, कनेर वगैरह, बहुत कई तरह के हिबिस्कस मैंने लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा चला हुआ है। पुरानी मिट्टी, चूँकि इस प्लांटर में पुरानी मिट्टी थी, पहले भी इसमें प्लांट हुआ करता था, अपराजिता का बेल था इसमें, अभी उसे मैं नीचे लगा दी हूँ, बेल काफ़ी बड़ा हो गया था। इसी प्लांटर में जो मिट्टी है, इसी मिट्टी को मैं बुराई कर रही हूँ और इसे मैं कनेर को लगा दूँगी, और पास से जो भी जगह बचेगा उसमें से मेरी मिट्टी तैयार है, गोबर के खाद के साथ और वर्मी कंपोस्ट के साथ मैं उसे फिर इसमें दे दूँगी। तो मेरा ये प्लांटर भी रेडी हो जाएगा कनेर के लिए। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर लिया और अब बारी है इसको निकालने का। अब मैं इसको निकालती हूँ, और बारिश का पानी गिरा था तो इसमें मिट्टी देखिए गीला है, लगता है ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। डिफिन भी क्या को निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि ये अगर टूट भी जाए तो ये कोई नुकसान नहीं होगा, फिर से ये लग जाएगा। मैंने लास्ट ईयर इसमें लगाया था, आपको तो मैंने शेयर भी किया था इसकी वीडियो, और ये देखिए कितनी ग्रोथ हो गई, अब ये आसानी से निकल गया यहाँ से, देखिए आसानी से निकल गया है, अब इसे मैं निकाल देती हूँ। ये मेरा टिफिन बेकिया निकल गया, इसी में मैं टिफिन बेकिया लगा दूंगी, फिर से इसी में टिफिन बेकिया लगा दूंगी और कनेर को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। थोड़ी सी फंगीसाइड अभी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे चींटी भी आ गया है, तो मैंने ये फंगीसाइड यूज़ कर रही हूँ अभी काफ़ी दिनों से। तो देखिए एक चम्मच यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 टेबल स्पून, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, मैंने कुछ दिन पहले पर्सलन में भी लगाया था, इसको स्प्रे किया था, बहुत अच्छा इसमें काम आया, और सारे प्लांटरों में भी मैं छिड़कती हूँ। अभी बारिश के सीज़न में ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है,
टेरेस में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बारिश में मुझे ज़रूरत पड़ा था तो मैं इसे ही यहाँ पे दे देती हूँ। देखिए इस तरह के ब्लू कलर के आते हैं ये। और ये रही कनेर, हमारा कनेर का प्लांट। देखिए देखिए कनेर इस मैंने इस तरह के जो छोटा थोड़े से प्लांटर में भी ये किस तरह से ग्रो कर रहा था और इसके रूट बाउंड है, तो इसको मुझे निकालना है। ये डिफिनबेकिया का रूट है, इसे निकाल देती हूँ। और ये देखिए कनेर में देखिए वाइट वाइट इसमें कुछ फंगस टाइप का हो गया है। ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करूँगी और मैं इसे लगा देती हूँ, इसमें रख देती हूँ और साइड से मैं मिट्टी दे दूँगी। पंगी साइड थोड़ा यहाँ पे दे देती हूँ रूट में भी। और मेरी ये मिट्टी तैयार है गोबर के खाद के साथ, तो अभी गीला हो गया है लेकिन इसे ही मैं दे रही हूँ इसमें। इस तरह से मैंने अपने कनेर को शिफ्ट कर दिया है और ये प्लांट भी बहुत अच्छा खिला हरा भरा बन जाएगा भी देखते ही देखते। तो पॉटिंग इस तरह से कर दिया जाता है। और अगर आपके पास कोई भी पुराना प्लांट है जिसके रूट बाउंड हो गया है, या तो प्लास्टिक के प्लांटर में, जिस तरह से मेरा तो उतना रूट बाउंड नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि अभी निकालने के बाद मैंने देखा रूट बाउंड खास नहीं हुआ था, लेकिन प्लांटर मेरा छोटा पड़ गया था और फूल भी अभी काफ़ी दे रहा था, इसलिए मुझे बड़ा पॉट में शिफ्ट करना पड़ा। देखिए कितना बड़ा पॉट है, ये 12 इंच का बड़ा पॉट है, तो मैंने यहाँ पे इसमें शिफ्ट कर दिया। पौधों की रिपोर्टिंग करने के बाद इसमें अच्छी तरह से पानी दे देना होता है। मैंने जैसे इस तरह से भर के पानी दे दिया है और नीचे के होल से भी अब इसमें पानी भी निकल जाएगा, क्योंकि मिट्टी गुरही हो गई है, मिट्टी नए से बनाया हुआ है, तो मेरा अच्छा से इसमें रिपोर्ट हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर नए वीडियो में। एक नए वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।